हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप की एक्वा कलर टोन फोटो एडिटिंग। तो एनीवेज टाइम के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना लाइट रूम ओपन कर लेना है एंड अपनी फोटो को भी ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं जस्ट यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी फ़ोटो पर लाइट को ऐड करने वाला हूँ। तो आप भी अपनी फ़ोटो में अगर लाइट कम है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ऊपर आपको एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहां पर मैं इसको बढ़ा दूंगा। और नीचे है कंट्रास्ट, मैं कंट्रास्ट को यहां ऐड पर रखूंगा। और नीचे है हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पर कम करूँगा। और जो शेडो है तो मैं शेडो को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और वाइट्स को यहाँ पर थोड़ा सा माइनस। ओके, तो यहाँ से थोड़ा ब्लैक्स को भी कम कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा जो लाइट का कॉन्सेप्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जाना है कलर वाले सेक्शन पे और यहाँ पर आपको ऊपर मिक्स टूल पे क्लिक करना है। सबसे पहला जो कलर है हम उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे जो फोटो पर जो कलर है वो यही कलर है। तो इसका जो ह्यू है तो मैं इस ह्यू को यहाँ पर बढ़ा दूँगा और इसका जो सेचुरेशन है उसको अभी थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा 47 या 15 के आसपास। ओके, तो यहाँ से इतना करने के बाद आपको जो इसका नीचे का जो लूमियंस है उसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देना है और नेक्स्ट कलर पे जाना है और इसका जो ह्यू है उसको हम माइनस करेंगे और सेचुरेशन को भी माइनस करेंगे। ठीक है, अब आपको जाना है अगले कलर पे और इसका जो ह्यू है उसको माइनस एंड सेचुरेशन को भी माइनस कर देना है दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट कलर पे जाना है और इसका भी ह्यू हम माइनस कर देंगे। अब आपको जाना है ग्रीन कलर पे, क्योंकि हमारी फ़ोटो पर ग्रीन कलर का फ़ोटो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसका जो ह्यू है हम उसको बढ़ा देंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने इसका ह्यू को माइनस कर दिया है और सेचुरेशन को फुल कर दिया है। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हैं जो हमारी फ़ोटो का ग्रीन कलर था वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ओके, तो ये भी आपको कर लेना है। इसके बाद आपको येलो कलर पे जाना है और येलो कलर पे जाने के बाद इसका जो ह्यू है उसको यहाँ पर माइनस करना है दोस्तों। ठीक है, माइनस करने के बाद इसका जो सेचुरेशन है उसको यहाँ पर बढ़ा देना है, फुल कर देना है और लूमियंस को भी आपको बढ़ा देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ से इतना कर लेने के बाद आपको जाना है रेड कलर पे और रेड कलर का जो सबसे नीचे सेक्शन है थर्ड वाला लूमियंस उसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है। मैंने इसको 20 पर रख दिया है। ठीक है, यहाँ से इतना हो चुका है। अब आपको लास्ट वाले रेड पे जाना है और इसका जो सेचुरेशन है उसको यहाँ पर बढ़ा देना है। ठीक है, तो मैंने इसको बढ़ा दिया है। अब इसका जो ह्यू है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देंगे। ओके, तो यहाँ से इतना करने के बाद आपको नीचे वाले कलर उस पर जाना है लूमियंस पे और इसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देना है 22 के आसपास। तो यहाँ से हमारा जो कलर टोन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से टर्न कर देंगे। अब यहाँ पर आपको जाना है नेक्स्ट टूल पे और इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ हम इसका टेक्स्चर को बढ़ाएंगे, तो टेक्स्चर को 35 के आसपास एंड क्लियरिटी को 4 के आसपास और डिहेज को यहाँ पर थोड़ा सा माइनस। ठीक है, ओके, तो यहाँ से इतना करने के बाद आपको जाना है अगले कलर पे टूल पे और अगले टूल पे जाने के बाद इसका जो शार्पनिंग का ऑप्शन है इसको यहाँ पर 36 के आसपास और नीचे है नॉइज रिड्यूशन को, तो इसको हम बढ़ा के 50 पर रख देंगे। 50 के आसपास करने के बाद नीचे आपको कलर नॉइज रिड्यूशन को भी आपको 50 के आसपास बढ़ा देना है और लास्ट में है स्मूथनेस, इसको भी आपको 66 पर कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा काम था वो कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, या बिफोर और ये आफ्टर। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो एडिटिंग का पूरा काम था वो पूरा हो चुका है। जस्ट आपको यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। तो यहाँ पर सेव टू डिवाइस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा कर लेंगे वेट और हमारी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।